गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का अपना जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। जो आउटपुट जो होता है वो इनपुट सिग्नल के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। अब अपन स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टराइज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टराइज डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इमिटर बायस्ड सर्किट का यूज लेते हैं। ये जो इमिटर बायस सर्किट ये शो किए गए हैं, ये दोनों सर्किट जो है करेक्टरिस्टिक में आइडेंटिकल होते हैं, यानी ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब इन सर्किट में क्या होता है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है RC1 ये RC2 के इक्वल होगा, ये इमिटर रेजिस्टेंस जो है RE1 ये RE2 के इक्वल होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है प्लस VCC और माइनस VEE इनका मैग्नीट्यूड भी समान होगा, ठीक है। तो जब अपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं तब इन दोनों सर्किट का यूज लेके बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, जब अपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों जो इमिटर बायस सर्किट हैं, एक ये वाला सर्किट और दूसरा ये, इन दोनों के इमिटर टर्मिनल को अपन कनेक्ट करेंगे। जब इमिटर टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो इमिटर रेजिस्टेंस R1 और R2 जो है, ये इमिटर रेजिस्टेंस R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ये दोनों जब पैरेलल में आ जाएंगे तो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को RE से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो ट्रांजिस्टर Q1 है इसको अपन इनपुट सिग्नल देंगे VIN1, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर इसके बेस पर, जो ट्रांजिस्टर Q2 है इसके बेस पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे VIN2, ठीक है। जो इनपुट सिग्नल है वो अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होते हैं, RC1 इक्वल्स टू RC2, तो इनको अपन RC से डिनोट करेंगे, ठीक है। आउटपुट जो है वो ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर और ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर इन दोनों के बीच में लेते हैं, ठीक है। ये जो एम्पलीफायर कहलाता है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।